हेलो भरी नमस्कार वेलकम टू यू पीएससी रिजल्ट लैब और चलिए बच्चों आज बड़ी अच्छी चर्चा करने वाले हैं और अच्छी चर्चा में आज होगा यानी कि आप लोगों की एक बड़ी समस्या का समाधान कि यूपी पीसीएस के लिए द हिंदू अखबार के नोट्स कैसे बनाएं तो चलिए शुरू करते सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद चलिए स्टार्ट करें फटाफट पूरी एनर्जी के साथ सुबह सुबह एनर्जी अगर स्टोर कर लीजिए उसके बाद चैंपियनशिप आपके हाथ में है दिन भर आप इसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए तो बिना समय गंवाए हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा क्या है हाउ टू रीड न्यूज पेपर हिंदू फॉर यूपीपीसी प्री मेन्स एंड ऑल्सो इंटरव्यू ये ध्यान रखिएगा केवल प्री मेन्स नहीं इंटरव्यू फिर होता क्या है कि प्री की तैयारी हो गई मेंस की तैयारी हो गई अब मेंस में हो गया अब उसके बाद घूम रहे हैं इंटरव्यू के लिए कि सर करंट में क्या पढ़ने क्या नहीं पढ़ने तो सिंपल सी बात है अगर हम शुरू से अपनी निगाह को एकदम से टारगेटेड रखें अपने जो भी हम अचीव करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए किसी भी स्टेज में ना प्रिलिम्स में ना मेंस में ना इंटरव्यू में कहीं भी समस्या होने वाली नहीं तो चलिए शुरू करते हैं Uh, सबसे पहले हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज पेपर आइए आगे बढ़े ठीक है ना देखिए सबसे बड़ी बात है वाई न्यूज पेपर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट यानी अच्छा अखबार पढ़ना मैंने देखे अच्छा अखबार बोला अखबार नहीं यानी न्यूज पेपर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है तो न्यूज पेपर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है एट्टी टू नाइनटी परसेंट अगर हम यूपीएससी के एक्सपीरियंट्स का चूंकि उनका डेटा ज्यादा अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पर तो जितने भी टॉपर अगर उनका आप डेटा देखेंगे उनके इंटरव्यू देखेंगे तो मैक्सिमम के मुंह से यही निकलेगा कि हमें करंट अफेयर्स पर पूरा फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स का मतलब होता है जैसे स्टेट के बच्चों के लिए केवल वल नाइनर नहीं यानी किसको पुरस्कार मिला किसको सम्मान मिला केवल करंट अफेयर्स इतना नहीं करंट अफेयर्स मतलब मुद्दे याद रखिएगा करंट अफेयर्स यानी कोई घटना घटित हुई वो घटना सुनने में घटित नहीं होती ध्यान रखिएगा जैसे कोई घटना मान लीजिए अभी हम लोग देखेंगे कि इस समय यानी आज वार्ता होगी टू प्लस टू वार्ता क्या होगी यानी भारत और अमेरिका के बीच में टू प्लस टू डायलॉग या वार्ता होने वाली है ठीक है ना आज ग्यारह तारीख है अब टू प्लस टू डायलॉग पर वार्ता के पहले वार्ता के समय और वार्ता के बाद हमेशा यार न्यूज भी आएगी तो यानी टू प्लस टू वार्ता क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों ये करंट की न्यूज हो गई ये क्या हो गई जरा समझिएगा ये, ये करंट की न्यूज हो गई अब ये न्यूज क्या होगा ये न्यूज क्या होगा यानी जो जो हमारे बीच बातचीत होगी वो क्या हो जाएगा न्यूज के बाद वो इश्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी वो मुद्दा हो जाएगा याद रखेगा मुद्दा और यही मुद्दा आपके सिलेबस का पार्ट है यानी अगर आप जीएस टू को देखेंगे तो क्या देखेंगे यानी बायोलेक्ट्रल यानी द्विपक्षीय समूह और भारत द्विपक्षीय क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह बायोलेटरल रिलेशन हमारा अमेरिका का यानी हिंदुस्तान और अमेरिका का बायोलेट्रल रिलेशन यूपीएससी ने पूछा है कई बार यूपीपीसीएस भी टू प्लस टू वार्ता पूछ चुका है तो सिंपल सी बात है सबसे पहले कोई न्यूज आती है उसे हम कहते हैं करंट में कोई घटना घटित हुई यह न्यूज कुछ दिन चलती है तो एक बड़ी घटना यानी एक बड़ा इवेंट बन जाता है क्या बन जाता है एक बड़ी घटना बन जाती है और यही घटना हमारे लिए एक बड़ा इश्यू बन जाती है क्यों क्योंकि हमारे सिलेबस को ये धारण करती है यानी हमारे सिलेबस में यह दिया गया रहता है तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पैटर्न का एट्टीन टू नाइनटी परसेंट हिस्सा करंट अफेयर्स से जुड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों चलिए आगे चलते हैं और अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स की सफलता के बारे में देखेंगे विचार करेंगे और यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि इनकी सफलता को सबसे बड़ा जो आधार मिलता है वो इंग्लिश न्यूज़ पेपर से मिलता है सब कुछ अवेलेबल है आप ध्यान रखिएगा जैसे अगर आप देखें अपाला मिश्रा जो यूपीएससी में इस साल नाइन्थ रैंक उनकी लगी थी करंट अफेयर्स पर अच्छा कमांड होने की वजह से आप देख सकते हैं इंटरव्यू में उन्होंने 215 मार्क्स से ऊपर अर्जित किया और उनके इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें बोली हुई हैं जो मैं आपके सामने लगा रहा हूं एक सेकंड बच्चों बस एक सेकंड। तो इसलिए हम लोगों को भी यूपी पीसीएस के लिए फोकस करना है करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स कैसे फोकस करना है यानी प्रीलिम्स जीएस के लिए भी और सीसेट के लिए भी दोनों के लिए मददगार होगा याद रखिएगा प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स अब इकोनॉमिक्स में ऐसी क्या घटना है जो डेली अखबारों में नहीं आती है जो देश में घटित होती है बजट आता है तो भी अखबारों में इकोनॉमिक सर्वे आता है तो भी अखबारों में मॉनेटरी पॉलिसी अभी मैंने आप लोगों को कल ही कराया है मॉनेटरी पॉलिसी अपनी कोई पॉलिसी बनाती है रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट कुछ भी या कोई नई चीज़ लाती है जैसे एस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो स्वाभाविक है वो सब क्या होता है करंट अफेयर्स ही तो है आप मुझे बताइए करंट अफेयर यानी डेली कुछ ना कुछ इकोनॉमी में जो भी घटित हो रहा है वो सब आपके सामने पॉलिटी पॉलिटी में जो भी चाहे राज्य विधानसभाएं हो इसके साथ साथ चाहे आपका संसद हो तो राज्य विधानमंडल हो चाहे संसद हो जो घटनाएं पूरे साल भर घटित होती क्या वो शून्य में घटित होती जी नहीं शून्य में नहीं घटित होती हैं वही सारी घटनाएं कभी अध्यादेश आएगा कई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस आएंगे तो फिर चर्चा हो जाएगी एडिटोरियल में कि इतने अध्यादेश आ रहे भाई अध्यादेश क्यों आ रहे अध्यादेश तो विषम परिस्थितियों के लिए है सामान्य परिस्थितियों में तो विधायन की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कानून बनना चाहिए तो अब ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन आ गया आपके सामने प्री में भी और मेंस में भी तो सिंपल सी बात है पॉलिटिक कुछ भी शून्य में नहीं है कोई घटना घटित होती है देन आपका बेसिक आता है कोई घटना घटित होती है देन आपका उसी के साथ बेसिक भी आता है और कौन सा ऐसा अखबार होगा जो ऑर्डिनेंस के बारे में कोई न्यूज देगा तो उसका बेस नहीं बताएगा कि संविधान में कितने अनु किस नंबर अनुच्छेद में है। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी घटना शून्य में नहीं घटित होती है वो देश के मुद्दों से संबंधित होती है और देश के मुद्दों से संबंधित ही आपका पूरा सिलेबस है क्यों क्योंकि आप एस बन करके डीएसपी बन करके देश के ही प्रशासन को राज्य के प्रशासन को संभालने जा रहे तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा है ज्योग्राफी भूकंप ज्वालामुखी चक्रवात ये सारी घटनाएं क्लाइमेट चेंज ये क्या आपको डेली यानी डेली की न्यूज में मिलती है कि नहीं मिलती है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता तो आप देखिए इसके अलावा हिस्ट्री हाँ ये एक ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री का और जोग्राफी का भी कुछ ट्रेडिशनल पार्ट्स हैं जो एक्चुअल में बेसिक आपको पढ़ने पड़ते हैं तो मेरा यह कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स देखिए दिया ही आपका पूरा एक सिलेबस का पार्ट दिया है साइंस और उसके बाद मिसलेनियस तो विज्ञान प्रौद्योगिकी खासकर प्रौद्योगिकी में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सारा आपको करंट अफेयर्स से मिलता है तो करंट अफेयर्स क्या करता है जैसे होता ना कि हमारी हमें जिंदा रखता है सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स हमें जिंदा रखता है डेली क्या होता हमारे दिमाग में नई बातें आती इन सिलेबस से जुड़ी हुई तो दो प्रकार से तैयारी की होती है एक होता है ध्यान रखेगा हम बेसिक से एडवांस जाए बेसिक से एडवांस यानी पहले हम एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लें एंड देन हम उसके बाद करंट अफेयर्स पे जाए एक दूसरी तैयारी भी होती जो सक्सेस वाली है जिसे हम कहते हैं एडवांस से बेसिक जाए नहीं एडवांस प्लस बेसिक साथ लेकर के चले एडवांस प्लस बेसिक साथ लेकर के चले फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैंने इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ बताया तो अब आपका अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मैंने बताया वो उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी का जो परंपरागत कंटेंट आपके पास है उसको पढ़ करके या मुद्रा बैंकिंग का जो परंपरागत कॉन्सेप्ट है उसको आप पढ़ करके उसी दिन खत्म कर दीजिए इस प्रकार की तैयारी आप करें तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा और आप ये भी कर सकते हैं बेसिक टू एडवांस भी जा सकते हैं एडवांस टू बेसिक भी जा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे बट एडवांस जहां भी आपको चाहिए यहां एडवांस जाना होगा चाहे वहां एडवांस जाना होगा करंट अफेयर एकमात्र रास्ता आपके पास बचेगा ध्यान रखिएगा ठीक है ना अब आते हैं मेन्स सीसेट स्वाभाविक है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में कुछ मदद आपको मिल जाती है इसके अलावा सीसेट आपको क्वालिफाइंग है तो कोई इश्यू भी नहीं होता बहुत बड़ा मेंस अब ध्यान रखिएगा मेंस में निबंध आप अपना 2021 का अगर निबंध देखिए यूपी पीसीएस का 2000 कितने निबंध तीनों सेक्शन में आप देखिए करंट के कितने मुद्दे हैं यानी तीनों में कभी कह रहा कि कोविड का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इंपैक्ट क्या रहा है आप देख सकते फिर कभी कह रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और समावेशी भारत आप देखिए मतलब जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं डिटेल से मैं करा चुका हूं आप देखें लगभग लगभग करंट बेस्ड या जो मुद्दे हैं वो लगातार चर्चा में रहते हैं सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता हमेशा हिंदुस्तान में चर्चा में रहता है तो सिंपल सी बात है यानी निबंध आपका पूरा का पूरा क्या है ऐसे तो कहीं ना कहीं और आपको इससे इतनी राहत हो जाएगी कि मजा ही आ जाएगा ध्यान रखिएगा अब आते हैं जीएस पेपर वन जीएस वन इसका जो सोसाइटी वाला पार्ट है समाज खंड वाला पार्ट है और जो ज्योग्राफी है इन दोनों में यानी करंट का बहुत बड़ा रोल होता है और जीएस टू हंड्रेड परसेंट कंप्लीट करंट अफेयर्स जीएस थ्री हंड्रेड परसेंट कंप्लीट और जीएस फोर के एग्जाम्पल यानी इथिक्स के जो एग्जाम्पल पूछता है बगैर आप करंट पढ़े एग्जाम्पल निकाल नहीं सकते तो इस हिसाब से आपको देखने की जरूरत है इसको प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूं क्योंकि आपकी एक डायरी होनी चाहिए प्रिपरेशन की डायरी मैं नहीं कहता हूं, जो बातें मैं बता रहा हूं एकदम हंड्रेड परसेंट आप अप्लाई करें आप इसको भी सुने और फिर आपकी लाइफ में कुछ और भी अच्छा विचार कहीं से है उसको भी अपनी डायरी में लिखें एक डायरी मेंटेन होनी चाहिए हम बड़ी गलत तैयारी करते हैं डायरी वगैरह मेंटेन करने का मतलब होता है कि हम लिखें कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है यानी अभी हम किस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं। फिर बीच बीच में आप उस स्ट्रेटजी में क्या चेंज ला रहे हैं। उससे क्या फायदे हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं एक अपना डेटा तैयार करिए इससे आपको किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको खुद पता लगेगा कहां गलती हो रही और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है इसके बाद इंटर ठीक है ऑप्शनल पेपर ऑप्शनल पेपर वन नहीं पेपर टू जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का पेपर टू वो चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो चाहे आपका हिस्ट्री हो चाहे आपका सोशियोलॉजी हो चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो आपका पब्लिक एक्ट हो वट जो भी उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है पहली बात तो ऑप्शनल अपनी रुचि के हिसाब से नहीं रखना चाहिए रुचि के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आपको मेंटोरशिप और कंटेंट कैसा मिल रहा है क्योंकि ऑप्शनल रखने से आप पास नहीं होंगे किसी का नोट्स फोटो कॉपी करा के पढ़ने से पास नहीं होंगे कंटेंट क्वालिटी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए यानी अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसके पास और इंग्लिश मीडियम में भी कई कैटेगरीज होती हैं यानी अगर बाजीराम का बच्चा है तो स्वाभाविक है आपको उसके लेवल का क्या चाहिए कंटेंट भी चाहिए प्रेजेंटेशन भी चाहिए और मेंटोरशिप भी चाहिए तो कही न कहीं ना कहीं कई चीजें देख करके आप ऑप्शनल चूज करिएगा अभी मैं ऑप्शनल पर भी लेक्चर करूंगा कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए धीरे 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 हम लोग बहुत अच्छा मतलब अच्छी कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हमें क्या करना है तो पेपर वन नहीं लेकिन पेपर टू आपको बहुत मदद करेगा यानी करंट अफेयर्स जो घटनाएं हैं वो आपको एग्जाम्पल देने में काम आएंगी आप देख सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण है लैंग्वेज में इंग्लिश आता नहीं है ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी तो कोई मतलब नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं अब आते हैं, असली की notes कैसे बनाएंगे? ये जो मैं लोगों को रोज कराता हूं नोट्स कैसे बनाएंगे आप सबसे पहले आप उस पर फोकस हो जाइएगा यानी सबसे पहले क्या करेंगे यूपीपीएससी का सेम ऐसा ही आप अपनी कॉपी में डायग्राम बना लेंगे सबसे पहले सेम ऐसा ही और जहां जहां मैंने फोकस किया है प्री में जहां जहां मैंने फोकस किया इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे फिर इसके बाद अब आप आएंगे यानी डेली का अपना रूटीन होगा आप क्या करेंगे चार कॉपियां बनाएंगे पांच कॉपियां बनाएंगे सबसे पहले सबसे पहली कॉपी आप बनाएंगे प्रीलिम्स की सबसे पहली कॉपी बनाएंगे प्रीलिम्स की यानी आप कॉपी या व्हाइट पेपर्स जिसमें आप लिखना चाहते हैं यानी एक कॉपी बनेगी आपकी प्रिलिम्स की ठीक है ना ठीक है और प्रिलिम्स में आप एक ही कॉपी बनाइए और डेली का कर नोट करना यह नहीं कि इकोनॉमिक्स एक जगह पॉलिटी एक जगह वो दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग एक साथ कनेक्टेड हैं तो इधर उधर क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाएगा तो प्रीलिम्स की एक कॉपी बनाएं और डेट वाइज यानी डेट वाइज का मतलब जैसे कल ट्वेल्थ अप्रैल से आप ये ये काम स्टार्ट कर दीजिए ट्वेल्थ अप्रैल से जो मैं पढ़ाऊं प्रिलियम्स की उस कॉपी में आज इकोनॉमिक्स का कुछ था कि नहीं था आज पॉलिटी का कुछ था कि नहीं था ज्योग्राफी का था कि नहीं था हिस्ट्री का था कि नहीं था करंट अफेयर्स अब देख सकते हैं साइंस और मिस सेलेनियस आप यहां से विचार करें और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि यहां जो करंट अफेयर्स लिखा है ये क्यों लिखा है आप लोग खुद विचार करिए कि यार ये इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर्स है पॉलिटी भी करंट अफेयर्स आखिर करंट अफेयर्स में आप क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ते हैं पढ़ते हैं यही सब तो पढ़ते हैं ना कल्चर पढ़ते हैं ज्योग्राफी पढ़ते हैं कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लाइए तो यही सब तो आपको मिलता है ना इन्वायरमेंट पढ़ते हैं अलग से करंट अफेयर्स भी लिख दिया गया है कोई बात नहीं हो तो हम रोज खरीदें तो एक कॉपी में आप प्रिलिम्स लिख लीजिएगा प्रिलिम्स द हिंदू ठीक है तो सबसे पहले हम प्रिलिम्स पे आते हैं और देखिए कितने पेज होते हैं हिंदू अखबार में एक बार अगर आप देखना चाहें तो फ्रंट पेज होता है ध्यान रखिएगा इसके पास दूसरा और तीसरा सिटी पेज होता है यानी अगर हम चेन्नई संस्करण लें तो चेन्नई साउथ इंडिया का और अमूमन हम लोग दिल्ली संस्करण लेते हैं तो उसमें यानी सिटी यानी दिल्ली के बारे में रहता है फिर चौथा स्टेट्स के बारे में रहता है पांचवा भी स्टेट्स के बारे में रहता है छठा एडिटोरियल के बारे में रहता है सतवां अपोजिट एडिटोरियल के बारे में जिसे ओपेट बोलते हैं यानी ये भी इस एडिटोरियल के सामने ये भी एडिटोरियल ही होते हैं आठवां नेशनल न्यूज नौवां नेशनल न्यूज दसवां फॉरेन न्यूज एलेवेंथ बिजनेस और ट्वेल्थ एक्सपोर्ट ऐसा ही होता है कभी थर्टीन पेज हो जाते हैं फोर्टीन पेज हो जाते हैं तो वो इसी में सेम इसी पैटर्न पर यह चलता है इसको भी आप स्क्रीन लेकर के बना लीजिएगा बच्चों से आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एग्जाम में अब देखिए हमारा फोकस कहाँ होता है हमारा मेन फोकस होता है फ्रंट ठीक है सिटी पर हमारा फोकस नहीं होता यानी ये और ये पेज हम काट देंगे अब हमारा फोकस होता है फोर एंड फाइव पे वो भी हम केवल यूपी पर फोकस करेंगे कि क्या कोई यूपी की न्यूज चल रही है यानी यूपी की न्यूज पर आपको फोकस करना है यहां पर वो मैं बताऊंगा तो देखिए हमें यहाँ पर चांस होता है जो मैंने कल और परसों या पीछे की अपनी क्लासेस में मैंने दिखाया है कि किस प्रकार से यूपीएस यूपीपीसीएस UP के जो मेंस के क्वेश्चन है वो यहीं पर यानी हिंदू से मिले हैं तो आप देख सकते हैं ये स्टेट तो यहाँ पर स्टेट्स के बारे में जैसे ही आएगा यूपी का एक महीने में एक आए दो आए वट वो हम पकड़ेंगे छठा क्या होता है एडिटोरियल एडिटोरियल का मतलब क्या होता है बच्चे जो फ्रंट पे न्यूज चर्चा में होती है जैसे मान लीजिए आज ग्यारह अप्रैल को जो फ्रंट पे न्यूज आएंगी वो क्या होती है करंट अफेयर्स वही न्यूज अगर उसमें संभावना है तो कल वही एडिटोरियल के रूप में यानी सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की या पार्लियामेंट में कोई तनाव हुआ बहस हुई झगड़े हो गए तो अगले दिन उसी विषय पर क्या लिखा जाता है एडिटोरियल लिखा जाता है तो न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पूरे देश में क्या घटित हो रहा है और सबसे मेन मेन वो पता लग जाता है तो ये हम लोग डेली करते हैं ठीक है ना बट आपको बस केवल सीखना है कि इस अखबार से हमें क्या क्या लेना है याद रखेगा तो ये हो गया स्टेट का पेज नंबर आठ और नौ ये इंपॉर्टेंट होते चूंकि इसमें नेशनल न्यूज मिलती है मैं फिर लिख दू यानी नेशनल न्यूज यहां पर रहती है जो भी डिफेंस सेक्टर हो गया साइंस एंड टेक हो गया वाट सब यहां मिलता है फिर इसके बाद आता है फॉरेन यानी आई के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल रिलेशन और खासकर पी एस आई आर ऑप्शनल है यानी कल से आप लोगों को लेक्चर ऐसे ही मिलेगा मैंने कहा ना कि अभी तो हमारा और आपका एक एक क्या होता है कि एक मैं इस प्लेटफॉर्म पे केवल आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं कि बच्चे कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एक डेटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं आते आते आप देखेंगे क्लास एकदम से साइंटिफिक होती चली जाएगी जैसे आज आप लोगों को लग रहा होगा कि साइंटिफिक ढंग से मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस अखबार में हमें यूपी के लिए क्या क्या निकाल लेना है तो फॉरेन यानी पीएसआईआर ऑप्शनल हो गया और उसके साथ साथ आईआर पे यूपी पीसीएस में आई से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तीन से चार प्रश्न पूछ ले रहा है पेपर टू में तो यहां पर आई की घटनाएं है होती हैं और ये होता है बिजनेस यानी इकोनॉमिक्स तो क्या क्या इनिशिएट यानी आरबीआई क्या इनिशिएट ले रही है सेबी क्या इनिशिएट ले रही है कैपिटल मार्केट में क्या चल रहा है ठीक है ना ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं और अंतिम पेज होता है स्पोर्ट्स का कि पूरे देश में स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है तो आई में पिछले साल यानी दो इक्कीस में प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और यूपी पीसीएस में तो पहले से पूछता आया है तो ये पेपर ये पेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा तो आप देख सकते हैं यानी पूरा अखबार हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक चीज ये हो गया बाकी आप लोग ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर एक एक होता है ना जिक्स पजल क्या होता है जिक्स पजल जिक्स पहली बड़ी मतलब बड़ा दिमाग लेती है जिक्स पहली यानी आपको हर चीज को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना पड़ता है तो सेम वही है कि जो यूपी पीसीएस का सिलेबस मेंस का जीएस वन जीएस टू जीएस थ्री जीएस फोर ए से ये सब जो सिलेबस हैं इनको भी आपको यानी जबरदस्त रूप से कनेक्ट करना पड़ता है क्या करना इंटरलिंक करना पड़ता है बिल्कुल जिक्स पजल की तरह जिक्स पहेली की तरह जैसे ये देखिए जिक्स पहली ये जो डॉट्स होते हैं इनको बड़ी मुश्किल से कौन कहा जाएगा कौन कहा जाएगा ठीक है ना बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे ही यानी जी एस वन टू थ्री फोर ए सी ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं इसलिए हमें बहुत गहरे स्तर पर इस अखबार का मूल्यांकन करना चाहिए जिससे कि हम जो हमारा कंपटीटर है उससे हम बेटर स्थिति में अपने आप को क्या कर पाए खड़ा कर पाए ध्यान रखिएगा अब आइए देखते हैं यानी फ्रंट पे कैसे हम चीजों को उठाते हैं और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों को इकोनॉमिकली दिक्कत नहीं है तो ये अखबार आप मंगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ अगर आपके पास अखबार होगा और अगर आपका अटेम्प्ट दो हजार में है तो पहले पर्सनालिटी को ग्रूम करिए क्या करिए पर्सनालिटी को ग्रूम करिए ध्यान रखिएगा क्लियर है तो आप देखिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर पार्लियामेंट ऑर्डर नो ट्रस्ट वोट यानी अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान अब ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियस है पाकिस्तान में घटित कोई भी घटना हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण होगी कि नहीं होगी तो क्यों होगी क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जीएस टू आई में सिलेबस है भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध इंडिया एंड उसका नेबरहुड भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो हमें सब जानना चाहिए क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कब कौन सी घटना आ जाए कुछ पता नहीं चलता है ध्यान रखिएगा तो बस करंट की न्यूज ये हो गई फिर देखिए रशिया सस्पेंडेड फ्रॉम ह्यूमन राइट काउंसिल अब देखिए रशिया को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है अब यहां पर पीटी का क्वेश्चन तुरंत बन गया पीटी का क्या बन गया कि भाई ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है इसके बारे में सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए पीटी का क्वेश्चन हो गया करंट का करंट अफेयर फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा ईडी क्वेश्चन ओमर इन जे एंड के बैंक केस अब देखिए यानी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय क्यों का नाम आया तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती ईडी के बारे में हम यहां पर क्या करें यारी पूरी जानकारी ईडी के बारे में इकट्ठा कर ले तो अब आप देख सकते फ्रंट पेज पे तीन खबरें हमारे सामने आई जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी यानी पाकिस्तान वाली और इसके बाद रशिया ने जो सस्पेंड किया वो आप देख सकते ठीक है ना अब इसके बाद आता है जीएसटू सिटी दिल्ली के बारे में तो बहुत ज्यादा इस पर आपको फोकस होने की जरूरत नहीं है कभी कभी कुछ न्यूज आ जाती है जो आपके लिए अच्छा रोल प्ले करती ठीक है ना अब उसके बाद आता है स्टेट्स अब देखिए स्टेट्स के बारे में जैसे बिहार के बारे में आ गया क्या है बिहार के बारे में आ गया आप यहां पर ध्यान रखिए बट यूपी के बारे में नहीं आया तो हम कहा यानी हम जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में आ गया तो हम ऐसे ही देखेंगे कि यूपी के बारे में कोई न्यूज हो वो यहां आ जाए तो फिर क्या होगा यानी हमारे काम का हो जाएगा याद रखिएगा इसके बाद छठा पेज यानी जैसे एडिटोरियल आया अब यूक्रेन अब देखिए यूक्रेन पर भारतीय विदेश नीति के बारे में यह क्वेश्चन है यूक्रेन एंड द एनाटोमी ऑफ इंडिया न्यूट्रलिटी यानी यूक्रेन पर भारत की विदेश नीति ये यूक्रेन पर भारत की विदेश नीति मेरे प्यारे बच्चों क्या है देखिए कि यूक्रेन पर भारत की जो विदेश नीति है उसका एनालिसिस किया गया एनाटॉमी एनाटॉमी यानी शरीर की रचना तो यूक्रेन पर भारत का पूरा पूरी विदेश नीति के स्वरूप पर उसके नेचर पर चर्चा की गई है कि भाई यूक्रेन मुद्दे पर भारत न्यूट्रल क्यों रहा क्या यह न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल का मतलब है कि ना हमने रशिया का समर्थन किया ठीक है और ना ही हमने उसके निंदा प्रस्ताव में जो पश्चिम ने लाया पार्टिसिपेट किया इसका मतलब हम यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण पर और पश्चिमी देशों के द्वारा रशिया पर जो सेंशन यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए उस पर हमने क्या किया तटस्थ रुख अपनाया है तो ये तटस्थ रुख जो हम अपना रहे हैं अपनी विदेश नीति में कि किसी भी ग्रुप में हम ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं इसके बारे में चर्चा है यानी कि भाई क्या ये अभी मोदी जी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है या स्वाधीनता के पश्चात से ही भारतीय विदेश नीति का आधार रहा है तो आप पढ़ेंगे कि यह स्वाधीनता के पश्चात यानी पंडित नेहरू जी के काल से ही भारतीय विदेश नीति का आधार रहा है जिसमें पंडित नेहरू जी का एक स्टेटमेंट यहां पर कोट किया गया है पंडित नेहरू जी का स्टेटमेंट क्या कोट किया गया है पंडित नेहरू ने कहा कि जब किसी भी देश की हम निंदा करते हैं तो हम उस न… मतलब वैश्विक व्यवस्था में तो हिंदुस्तान उसमें भाग नहीं लेता उसके पीछे रीजन है हिंदुस्तान का अपना मानना है कि निंदा करने से समस्या का समाधान नहीं होता है इसलिए जब हमें समस्या के समाधान पे जाना ही है तो हम निंदा करके क्यों जाए संबंधों को और तल करके क्यों जाए और स्वाधीनता के पश्चात से ही इस प्रकार के जितने भी आक्रमण या इन्वेजन एक देश के द्वारा दूसरे पर किए गए भारत ने उस पर प्राय क्या किया तटस्थ रुख अपनाया चाहे उस समय हंगरी पर आ, उसका उस समय के सोवियत संघ यू का यूएसएसआर का आक्रमण हो चाहे स्लोकिया पर हो या बाद में अफगानिस्तान पर हो या उसके पश्चात अमेरिका का इराक पर हो अमूमन भारत ने क्या किया है यानी न्यूट्रलिटी का ही रुख अपनाया है इसलिए वह अपनी स्वाधीनता के पश्चात की विदेश नीति के साथ एलायन यानी संरेखित है ये चीज पूरे एडिटोरियल में डिस्कस की गई है तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से इस एडिटोरियल के साथ यानी भारत की विदेश नीति जो आपके निबंध में भी यानी जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो भारत की विदेश नीति आप जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करिएगा भारत की विदेश नीति पर ना जाने कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना जाने कितने क्वेश्चन आप देखिएगा निबंध यूपी पीसीएस में भारत की विदेश नीति पर आए और जीएसटू आई में आ ही रहा है तो आप आप देख सकते हैं यानी आप डेली पढ़ रहे हैं यूक्रेन पर ऐसे क्या होगा एग्जाम के टाइम पर आप सर्च करते हैं देखिए फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है एग्जाम टाइम पे क्या होगा एक ही कंटेंट मार्केट में आएगा किसी कोचिंग का होगा या किसी पब्लिशर का होगा और वही कंटेंट पूरा उत्तर प्रदेश का मेंस देने वाला बच्चा पढ़ रहा है अब आप बताइए कॉपी कॉपी उसकी कैसे होगी क्या यूनिफॉर्म सब एक जैसा आंसर लिख रहे हैं तो कॉपी चेक करने वाले को जब कुछ डाइवर्सिफिकेशन उसमें दिखेगा नहीं कुछ विविधता दिखेगी नहीं वो क्या करेगा नंबर किसको देगा जनरल मार्किंग हो जाएगी इसीलिए देखिए अब निबंध वगैरह में जो यूपी पीसी में तैयारी करते हैं और मुझसे यहां नगर में सीखने आते हैं निबंध वगैरह आप देखोगे कि, कि सब यही कहते हैं कि सर निबंध में तो सर पचासी नब्बे पंचानवे नंबर एक एवरेज होता है उससे ऊपर तो मिलता ही नहीं तो उससे ऊपर क्यों नहीं मिलता नब्बे पंचानबे से ऊपर क्यों नहीं मिलता क्योंकि एक ही कंटेंट मार्केट में आता है हम टूट पड़ते हैं हम अलग से कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हिंदू क्या करेगा आपको अलग कराएगा यानी आज यूक्रेन पर यह आपने पढ़ा कल यूक्रेन पर कुछ और आएगा परसों कुछ और आएगा चूंकि घटना चल रही तो इसका मतलब आप यूक्रेन पर ही बार बार नए नए विषयों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं इसलिए मेरा अपना मानना है कि आपके लिए ये अखबार और नोट्स कैसे बनाने हैं दोनों चीजें यानी अखबार को पढ़ना और नोट्स बनाना सीखना है तो अब नोट्स कैसे बनाना है ध्यान रखिएगा जैसे पाकिस्तान वाला आया तो आपने तुरंत जीएसटू आई आर भारतीयों में उसके पड़ोसी संबंध लिखा और जो भी यहां पर मैंने घटना बताई एक दो तीन पॉइंट आपने उसको नोट कर लिया जो काम काम का फिर और एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि जैसे जो मैं लेक्चर में लू कई चीजें बहुत फालतू होती हैं अगर आप ऑनेस्टी से अच्छे प्रोफेसर से मिलेंगे जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लखनऊ वट एवर जहां भी आप पढ़ते हैं तो आप उनसे पूछिए तो वो ये कहेंगे हम, न, हम लोगों ने पूछा है हम लोगों ने सीखा है कि यार जो एक लेक्चर होता है ना उसकी सौ बातों में से बीस बातें काम की होती अस्सी उस बीस बात को सपोर्ट करने के लिए एक टीचर बोलता है तो केवल आप आपके अंदर यह क्षमता होनी चाहिए कि वो बीस बातें यानी सौ में से केवल बीस परसेंट आपके काम का है बाकी अस्सी परसेंट टीचर ने समझाने में अपना समय दिया तो वो बीस कंटेंट आपको निकालने की कला सीखनी है फिर आप क्या करेंगे

देशों की बाउंड्री लग सॉरी किन किन राज्यों की बाउंड्री लग रही है और वो भी सीरियल में अनुक्रम में यानी सबसे ज्यादा किसकी है फिर नंबर दो पे कौन है नंबर थ्री पे कौन है नंबर फोर पे कौन है इस प्रकार से अब आपका कम से कम पाकिस्तान पर एक बेसिक भी तैयारी हो गई सारी बाउंड्रीज वगैरह आपने देख ली और यहां पर जो चर्चा रहा उसको भी आपने देख लिया तो मुझे लगता है इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं आप ध्यान रखेगा ठीक है बच्चे इसी हिसाब से हमें जैसे मान लीजिए स्टेट का आता है अब ये स्टेट का पेपर है क्या है स्टेट का यानी यहां पर आप देख सकते हैं स्टेट का तो यूपी के बारे में कोई जानकारी आई तो आप एक नोट्स में यानी एक कॉपी आप यूपी स्पेशल की बना लीजिए एक कॉपी यूपी स्पेशल की बना लीजिए अलग से प्री और मेंस दोनों के लिए एक ही कॉपी काम पे आ जाएगी तो इस प्रकार से एडिटोरियल आपको अब देखिए इस इंडिया पोजीशन ऑन रशिया अफेक्टिंग इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस क्या रशिया पर भारत की जो आज की स्थिति है वह अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को खराब कर रहा है अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं चलिए बताइए क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यानी ये अपने आप में क्वेश्चन ही है अब देखिए ये भी आईआर का हो गया कि भाई क्या रशिया पर भारत की विदेश नीति के कारण अमेरिका और भारत के संबंध तल्ख हुए हैं ठीक है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सारी चीजें आपके पास है अब आई का यह भी हो गया इस हिसाब से आप देख सकते हैं क्लियर मेरे प्यारे बच्चों अब जैसे आया था बियॉन्ड बार्डर गवास्कर यानी यहां पर अमेरिका सॉरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में तो अब यही पूछेगा पीटी के लिए अब ये क्या हो गया यानी आप इसे करेंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स में भी ले सकते हैं और, में और, में में, में, है। और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं हाल के वर्षों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत की क्या रणनीति रही है तो जब भी आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिखेंगे और उस पर भारत की क्या रणनीति रहेगी तो ऑब्वियस है उसमें एक एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया वाला आएगा ही आएगा क्योंकि हमने 10 वर्षों के बाद एक डिकेड के बाद किसी विकसित देश यानी डेवलप्ड कंट्री के साथ यह फ्री ट्रेड जिसे ई कहा जाता है वह हमने किया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया किसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ और पीटी में तो आ ही सकता है कि अभी हाल ही में पीटी का भी हो क्या हाल ही में किस देश के साथ भारत ने ई e संपन्न किया तो आप यहां से देख सकते हैं ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित ऑस्ट्रेलिया और भारत निम्नलिखित में से किस सहयोग में साथ हैं ए क्वाड बी ई सी टी ए सी एंड डी ए प्लस बी दोनों होगा तो इस हिसाब से आपको यानी चीजें यहां पर मिलती चली जाएंगी जो काम का होगा जो काम का नहीं है उसको हम यहां पर छोड़ते चले जाएंगे याद रखिए जो काम का नहीं है उसको हम क्रॉस लगाएंगे तो इस हिसाब से आपको यानी अखबार को देखना है याद रखेगा अब आता है पेज नंबर नौ अब इसमें भी कभी कभी अब देखिए कास्ट सैनिटेशन वर्क यानी जाति आधारित या जो ये देखिए स्वच्छता का काम वगैरह होता है इस पर भी कभी कभी हमें दिमाग रख लेना चाहिए कभी कभी कुछ बातें आ जाती हैं जानकारी के लिए ठीक है ना फिर इसके बाद आते हैं जैसे अब देखिए न्यूज आ गया न्यूज अब यहां से क्रिमिनल लॉ के बारे में मिनिस्टर क्या कह रहे हैं राज्यसभा में यानी जो क्रिमिनल लॉ लाया जा रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं अब आपको यहां पर उनका अपना विचार मिल जाएगा ठीक है ना तो अब हर चीज यहां पर आप देख सकते हैं आपको दिमाग रखना चाहिए याद रखेगा फिर इसके बाद आता है यहां पर अब देखिए मुल्ला पेरियार बांध के बारे में तो तुरंत चर्चा भैया मुल्ला पेरियार बांध अब आपको पीटी के लिए पढ़ लेना है ठीक है ना तो ये हो गया आपका मुल्ला पेरियार बांध यानी अब देखिए इंडिया यूएस टू प्लस टू बिल डिस्कस की इशू से, से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अब अमेरिका और भारत के बीच में टू प्लस टू हो रहा है और यही प्रश्न टू थाउजेंड में यूपी पीसीएस में आ चुका है अब देखिए ये यूपी पीसीएस में आ चुका है तब आपका इस पेज से हो गया कि यानी अब आपको टू प्लस टू की जानकारी उसी समय इकट्ठा कर लेनी है आप सोचिए कि आपको एक घंटे हिंदू की क्लास में मैं क्या देने वाला हूं वो आप यहां पर समझिएगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो ये सारी बातें है अब इसके बाद आते हैं अगली न्यूज अब इसमें कौन कौन सी न्यूज है ठीक है ना यहां से आप देख सकते हैं हम पढ़ते जाए पढ़ते जाएगा अच्छा भाई कहीं कुछ भी नहीं कहीं कुछ भी नहीं चलो अच्छी बात है फिर यहां अब देखिए श्रीलंका में तनाव चल रहा आ गया फिर इसके बाद अब देखिए यूक्रेन ने नाटो से मदद मांगी है अब नाटो क्या है अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए कि हमने नाटो के बारे में प, प, क्या है पढ़ लिया और आपको एक एनालिसिस की भी आवश्यकता है कि भाई यूक्रेन नाटो से मदद मांग रहा है लेकिन क्या नाटो इस स्थिति में है कि नाटो यूक्रेन की मदद कर पाएगा ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा तो नाटो यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता क्यों क्योंकि नाटो क्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में कोल्ड वार के टाइम पर बना था और यह कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता यानी जो सदस्य राष्ट्र है इसके जो सदस्य राष्ट्र है उनकी सुरक्षा पर यह काम करता है यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है यानी नाटो के अंदर संकल्पना है कि अगर कोई भी राष्ट्र नाटो सदस्य में से किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो वह सभी पर आक्रमण माना जाएगा और फिर सभी देश मिलकर के उसका जवाब देंगे इसी को क्या बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है इसलिए नाटो उसे सहायता दे नहीं सकता चूंकि अगर नाटो देगा तो फिर तो इस थर्ड वर्ल्ड वार की कंडीशन खड़ी हो जाएगी याद रखिएगा और यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है इसीलिए रशिया ने आक्रमण भी किया है कि नाटो का मेंबर बन जाने के बाद वेस्टर्न का कंट्रोल रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि तुर्की वगैरह तो नाटो के सदस्य ही है जो एकदम रशिया की सीमा के साथ खड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं क्लियर बच्चे फिर इसके बाद देखो अगली न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में पहली अश्वेत महिला है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगी अब उनका नाम आपको याद रखना है तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है याद रखेंगे ठीक है बच्चों तो इसी हिसाब से अब देखिए देखिए चौदह वर्ड यानी आई की न्यूज के लिए अब हो गया श्रीलंका के बारे में हो गया ये सारी चीजें अभी मैंने बताई दिया फिर इसके बाद आता बिजनेस के बारे में अब देखिए बिजनेस यानी इकोनॉमिक एक, न्यूज गति शक्ति प्लान देखिए आप क्या है गति शक्ति पीएम गति शक्ति आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये मेंस में भी आएगा प्री में भी आएगा फिर देखिए पी के बारे में प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में तो अब इस पर चर्चा हुई तो है आदमी तो बताएगा ना भाई ये इस पर चर्चा है और इसको इसको आप यहां से पढ़ लीजिए क्लियर है तो इस हिसाब से पूरा अखबार आपका हो जाएगा याद रखेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चे तो कोई भी क्वेश्चन यहां पर हम ऐसे ही सर्च करते हैं और फिर आपके और उसके बाद फिर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गया अब स्पोर्ट्स में समय आईपीएल चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या चल रहा है जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग कर लेंगे ठीक है ना तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अखबार कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ये आपको गहराई के साथ विचार करने की मेरे बच्चों आवश्यकता है गहराई के साथ गहराई मतलब बहुत गहराई अब आप अपने सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा तो कॉपी आपको इसी पैटर्न पर यानी नोट्स कॉपी आप इसी पैटर्न पर बना लीजिएगा ढेर सारी कॉपियां चार पांच कॉपी आप बना के रखिए और प्रीलिम्स का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए देखिए क्या है करंट इवेंट्स आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो कम से कम ये पोर्शन तो आपका रोज होगा ये यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है तो मैं कहता हूं चलो यानी पहला पार्ट तो आपका रोज होगा कि नहीं होगा तो आप एक कॉपी बनाइए एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में इसको आप हाईलाइट कर दिए करेंट इवेंट्स आप नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डेली उसमें जो भी मैं बताता जाऊं और कल से कल से जो न्यूज़पेपर हम करेंगे वो इसी पैटर्न पर करेंगे बच्चों यानी ये वाले पैटर्न पे ऐसे ही सारे पेज पर कि आज इस पेज पर क्या है 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 इस पेज पर, 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 पर सेम इसी पैटर्न पर मैं आपको कराऊंगा यानी एकदम से जो यूपीएससी वाला मेरा हिंदू होता है प्रेजेंटेशन उससे चेंज कर दे रहा हूं यानी आपको क्या करूँगा अखबार शेयर कर दूंगा मैं चाहता हूं कि आप सब भी यानी क्योंकि मेरा टारगेट है कि आई के लिए मुझे एक पूल बनाना है तो यूपी की जो तैयारी करते हैं बच्चे अगर उनको जो सीरियस एक्चुअल में उनका मैं एक बहुत बड़ा समूह बना लूं और आई का मेरे पास एक बड़ा समूह है दोनों के समूह को मिक्स कर दू और वही बच्चा मेरा यूपी का भी मेंस लिख रहा है इंटरव्यू दे रहा है सेलेक्ट हो रहा है वही बच्चा मेरा आई में भी इंटरव्यू दे रहा है मेन्स लिख रहा है और सिलेक्शन ले रहा है तो मेरे पास रिजल्ट का भंडार हो जाएगा मैं यही काम यहां करने आया हूं ये ध्यान रखेगा यानी मुझे बच्चों का एक पूल चाहिए एक बहुत बड़ा पूल जिसमें मेरे पास हजार बच्चे मिनिमम ऐसे हों जो लगातार मेंस लिख रहे हो इंटरव्यू दे रहे हैं ये और हो सकता है ये पांच हजार, हजार भी हो जाए अब जो बच्चे सीरियस होंगे इस मेरे को समझेंगे तो स्वाभाविक है मेरे साथ जुड़ेंगे तो कल से आपको न्यूज ऐसे ही मिलेगा यानी इस एडिटोरियल में उतना ही बताऊंगा यानी ऐसे केवल तीन पॉइंट जैसे यूक्रेन एंड द दी ऑफ इंडिया तो बस फटाक से बताऊंगा आपके सिलेबस का ये पार्ट है और तुरंत यहां पर लिख दूंगा यानी कि पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट केवल तीन पॉइंट यहां पर आपको फोकस करना है यानी उतना एडिटोरियल पढ़ने का समय बच गया आपका समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार सारे बच्चे बचाए समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यानी आपका पूरा टाइम ही मैं बचा लूंगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह यार सर ने एक से डेढ़ घंटे में पूरा अखबार करा दिया वो भी इंडिया का सबसे अच्छा अखबार और सभी चीजें और इसमें कुछ मैं करूंगा कुछ आप करेंगे दोनों लोग मिल करके करेंगे यही अपनी जर्नी होगी तो प्लीज आप फटाफट यहां पर बनाएंगे क्या बनाएंगे और इसको हम कैसे करेंगे मैं ये भी बता रहा हूं कि जो यहां करेंगे उसके बाद फिर वीकेंड पर या वीक में टू टाइम स्पेशल क्लासेस में उन सबका रिवीजन भी करेंगे क्या करेंगे रिवीजन भी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा तो ये हो गया एक कॉपी सारे बच्चे अग्री कर रहे हैं एक कॉपी आप बना रहे हैं ध्यान रखिएगा एक कॉपी आप बना रहे करंट इवेंट्स आप नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की सभी बच्चे उसके बाद उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब तो करंट अफेयर्स में रहेगा वो आ ही जाएगा उसमें उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है ठीक है यहां से आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद आते हैं ठीक है आपको बाकी तो और कोई जो सीसेट का कोई मतलब नहीं है अब आते हैं मेंस तो मेंस के लिए जनरल स्टडीज पेपर वन तो एक कॉपी आप बनाइएगा जनरल स्टडीज पेपर वन यानी आपकी एक कॉपी हो गई प्रीलिम्स की अब दूसरी कॉपी हो जाएगी यहां पर ध्यान रखिए किसकी बच्चे दूसरी कॉपी आपकी हो जाएगी किसकी जनरल स्टडीज पेपर वन की और उसमें आप तीनों पार्ट लिख लीजिएगा हिस्ट्री उसके बाद ज्योग्राफी उसके बाद आपका सोसाइटी और उसके बाद यूपी स्पेशल भी यूपी स्पेशल भी ठीक है ना या इन तीनों को आप एक साथ रहने दीजिएगा और यूपी स्पेशल अलग से बना लीजिए यूपी स्पेशल की एक कॉपी आप अलग से बना सकते क्योंकि डेली ऑब्वियस हिंदू में यूपी तो रहेगा नहीं तो इसकी एक अलग कॉपी आप बनाइए एक कॉपी आप यहां पर बनाइएगा और सिलेबस वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वो मैं बताता चलूंगा जैसे मान लीजिए किसी दिन गांधी की जयंती है गांधी जी की पुण्यतिथि है सुभाष चंद्र बोस की जयंती सुभाष चंद्र बोस की पुण्य तिथि है असहयोग आंदोलन की का जो दिन होता है वो है यानी जो भी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास की घटित हो चुकी हैं वह सब एडिटोरियल्स में आती हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे यानी इतिहास वाले कालखंड में उसको शामिल करेंगे तो वहां से भी आपको उसके बाद सेम वैसे हम सोसाइटी में करेंगे सेम वैसे ही हम में करेंगे याद अब आता है जनरल स्टडीज पेपर रखिएगा सौ परसेंट करंट अफेयर्स पेपर टू और थ्री तो टोटल आप मान चलेगा कि 100 परसेंट करंट अफेयर्स है 200 नंबर आप यहां पर करंट अफेयर्स से करने जा रहे हैं याद रखिएगा तो इसमें भी यानी आपको कॉपी के ऊपर ही लिख देना पॉलिटी क्या करना है पॉलिट या आप चाहें तो अलग अलग यानी देखिए ये या आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं लेकिन पेपर वन में नहीं क्योंकि पेपर वन में एक ही कॉपी बनाइएगा पेपर वन में एक ही यूपी स्पेशल अलग रहेगा बट इसकी एक कॉपी चूंकि पेपर वन के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज आती आएगी नहीं इतिहास वगैरह ट्रेडिशनल होता है जोग्राफी में भी काफी कुछ इसमें ट्रेडिशनल है कुछ जो करंट अफेयर्स का आएगा वो मैं करा दूंगा सोसाइटी का आपका करंट अफेयर्स है तो यहां से मिलता है बट ये एक ही कॉपी में आपका हो जाएगा इसलिए आपको अलग से कॉपी बनाने की जरूरत है लेकिन यहां पर आप चाहें तो चूंकि पॉलिटी वगैरह रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है तो यहां पर अब एक कॉपी में हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए चूंकि पॉलिटी की बड़ी खबरें इकट्ठा हो जाएंगे तो पॉलिटी हो गया फिर इसके बाद सोशल जस्टिस हो गया और गवर्नेंस हो गया ठीक है ना तो इनकी आप एक कॉपी बना लीजिए किसकी सोशल जस्टिस और गवर्नेंस की और एक कॉपी बना लीजिए आई की और यूपी स्पेशल के लिए मैंने बोली दिया है कि जो यूपी स्पेशल की कॉपी बनेगी यहां वाली तो यूपी स्पेशल में जीएस वन भी रहेगा जीएस टू भी रहेगा और जीएस थ्री भी रहेगा तो यूपी स्पेशल में तीनों एक साथ रहेंगे ध्यान करिएगा तो आईआर यानी यहां पर तीन कॉपियां हो गई क्या हो गई तीन कॉपी हो गई क्यों क्योंकि भैया आई की भी रोज दबा के घटना रहेगी उसके साथ साथ पॉलिटी की भी दबा के घटना रहेगी उसके साथ साथ सोशल जस्टिस और गवर्नेंस की भी दबा के कोई न, कोई सरकारी स्कीम लॉन्च कर रही है ये कर रही है फलाना डेम का तो आपको यहां पर तीन कॉपियां बनानी है इनफैक्ट हां तीन कॉपियां बनानी है ये सिलेबस है और उस कॉपी के साथ सिलेबस को चिपका लेना है इस कॉपी के साथ सिलेबस चिपका लेना है याद रखिएगा बस पॉलिटी का और इन सब का जिससे आपको रोज ये कॉन्फिडेंस आए कि यार आज मैंने इस सिलेबस का ये वाला पार्ट किया है आज मैंने इस सिलेबस का ये वाला पार्ट किया है ये ध्यान रखिएगा अब आते हैं जनरल स्टडीज इसमें भी आपको तीन कॉपी बनानी पड़ेगी आपको आपने कल ही देख लिया इकोनॉमिक्स के कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमिक्स की एक आप अलग क्योंकि इसकी खबरें भी खूब रहेंगी फिर इसके पश्चात इकोनॉमिक्स के बाद आप इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लस आपदा की डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा की आप इसकी क्या करिए एक कॉपी बना लीजिए इसकी भी अलग से तो इकोनॉमिक्स और एक कॉपी साइंस एंड टेक की भी आप अलग से बना सकते हैं और इसमें जो यूपी स्पेशल है वो तो आप एक कॉपी वहां अलग बना ही चुके तो तीन कॉपियां इसमें भी आप पतली पतली बना सकते हैं या अगर आप लूज पेज में लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर आपको कॉपी का चक्कर नहीं पालना है इकोनॉमिक्स के लिए अलग इसके लिए अलग इसके लिए अलग तो फिर उसके बाद क्या करिए यानी कि कॉपी बनाने के बाद सिलेबस चिपका दीजिए इकोनॉमिक्स वाला, अपने हाथ से लिख डालिए हाथ से लिखेंगे सिलेबस याद हो जाएगा क्या करेंगे हाथ से लिखेंगे सिलेबस याद हो जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे हाथ से लिखेंगे तो सिलेबस याद हो जाएगा ये चीज आप दिमाग में रखेंगे ठीक है तो ये हो गया आपका इसी हिसाब से ऐसे ही आप विज्ञान का ऐसे ही आप इनवायरमेंट का सिलेबस सारा लिख डालिए और जो साइंस टेक और एनवायरमेंट की एक ही कॉपी बना लीजिएगा ठीक है ना साइंस टेक और एनवायरमेंट की एक कॉपी इससे क्या होगा आपको ना बाद में प्रीलिम्स में भी बड़ी मदद मिलेगी कि मेंस में आपने जो जो पढ़ा है वो प्रीलिम्स के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना तो यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि अगर आप अच्छे से साइंटिफिकली चलते हैं तो आपको मजा आ जाता है याद रखे अब इसके बाद जीएस पेपर फोर इसकी भी एक कॉपी आपको बनानी पड़ेगी जीएस पे पेपर फोर प्लस ए या आप अलग अलग बना लीजिए क्या दिक्कत है इसमें लिख लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल की कॉपी जीएस फोर के एग्जाम्पल की कॉपी यानी ये जो भी सिलेबस है जो भी सिलेबस है सात की सात यूनिट ये सब डेली अखबारों में चर्चा में रहती हैं तो ऐसे में हम एग्जाम्पल के लिए तो यूनिट का इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस नैतिकता पर कोई प्रश्न लिख रहे हैं अब डेली करप्शन की सूचना आ रही है राजनीति में कुछ समस्या आ रही है तो वो सारी चीजें क्या एग्जाम्पल ही तो है तो इस एक इथिक्स के एग्जाम्पल की कॉपी बनाई गई यूपी पीसीएस के लिए यहां पर और इसके बाद बस काम खत्म और एक एसे के लिए एक एसे के लिए भी कॉपी बना लीजिएगा अलग से किसके लिए निबंध के लिए ठीक है ना निबंध के लिए तो निबंध की तीनों कैटेगरियां होती हैं ए बी सी उस सिलेबस को लिख लीजिएगा यानी ए बी और सी का सिलेबस लिख लीजिएगा क्या कर लीजिएगा बच्चे ए बी और सी का सिलेबस लिख लीजिएगा और डेली जो घटनाएं आए आर्थिक घटना तो जो आपने जीएस में पढ़ा ना वही उठा करके हम एसे में लिख देंगे जिससे एग्जाम के टाइम पे आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको लगेगा कि यार वही घटना भले हम हमको दोबारा लिखनी पड़ रही है जैसे मान लीजिए पॉलिटी में कुछ हुआ तो पॉलिटी में कुछ हुआ कोई भी बहस हुई कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के ऊपर कोई अच्छा एडिटोरियल आया सेक्यूलरिज्म पर कुछ अच्छा एडिटोरियल आया पर, अमेंडमेंट पे कोई बातचीत हुई तो हमने क्या किया उसको वहां भी लिखा पेपर टू में पॉलिटी में भी लेकिन उसके साथ साथ निबंध के लिए भी जिस सेक्शन में वो है एबीसी में उसमें भी ला करके हमने लिख लिया तो इससे क्या हो गया कि हमारा निबंध का भी सेक्शन ने बी और सी अब उसके बाद मान लीजिए इकोनॉमिक्स की कुछ घटना हुई अब आपने क्या किया इकोनॉमिक्स की उस घटना को भी वहां भी लिखा प्रश्न पत्र तीन में और उसके बाद आपने क्या किया आपने निबंध के लिए भी लिख लिया तो इससे क्या हो गया आपका जबरदस्त कंटेंट अब आपके पास इकट्ठा हो रहा है यानी किसके टक्कर का जो दिल्ली में यानी राजेंद्र नगर वाली जो कम्युनिटी है चूंकि मैं नगर कम्युनिटी की बात थोड़ी कम करता हूं क्योंकि रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है यहां पर तो वो बच्चे चूंकि अब ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और धीरे धीरे ऑब्वियस है तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट से रिच है मुकाबला आपका उनसे हो रहा है ऐसे में हम कंटेंट की दृष्टि से रिच हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये प्लान जरूर बताइएगा मुझे अच्छा लगेगा और फिर वही है अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आया प्रयोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट स्कीम PLC अब PLC क्या है PT में पूछ लेगा सिंपल एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ध्यान रखिएगा तो मुझे लगता है इस पैटर्न पर अगर हम लोग चलते हैं तो बहुत अच्छी जर्नी हम लोग कर पाएंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे और अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं दो चार मिनट आप लोगों के क्वेश्चन मैं ले लूंगा जो भी बच्चे इस समय देख रहे एक बार फटाफट बताए ठीक है एनी पीसीएस दिल्ली डेल ही अच्छा सर आपका यूपी पीसीएस रिजल्ट लैब डेली फॉलो कर रही हूँ काफी हेल्पफुल है चलो बहुत बढ़िया सोनल अच्छा आप लोग भी जी बहुत बढ़िया अच्छा सारी फाइल शेयर करा दू ठीक है आयुष करें सर हिंदी मीडियम में ही लीजिएगा अरे भाई घबराना नहीं है मेरा एनालिसिस अच्छा है कंटेंट हिंदी में पूरा रहेगा हिंदी मीडियम यार इंग्लिश का मतलब ये नहीं होता इंग्लिश मतलब हमारा कंटेंट हिंदी में पूरा रहेगा भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मुझसे कोई मतलब ही नहीं और मैं हिंदी में ही जैसे अभी बोल रहा हूँ सारी बातें हिंदी में ही बोलूंगा भाई तो आप लोग टेंशन मत लीजिए बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में ही लूंगा घबराओ मत और ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर मत डरो बच्चे आप डर रहे हैं आप डर रहे हैं कोई भी बच्चा केवल और केवल डर रहा हिंदी इंग्लिश करने का समय नहीं रह गया आप कंपटीशन में आपको आगे निकलने का टाइम है टीचर के ऊपर ट्रस्ट करिए अगर उस आपको लगता है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर है एक्स्ट्रा माइलेज है तो उसके साथ कनेक्ट हो जाइए मेंटोरशिप के बगैर मुसीबत है ये एग्जाम जहां पर भी कंपटीशन है वहां पर मेंटोरशिप जरूरी है आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाइए आप पूरी दुनिया में कहीं पर चाहे राजनीति हो चाहे प्रशासन हो या चाहे आपका प्रेपरेशन हो आपको ध्यान रखिएगा मेंटोरशिप जहां पर भी कंपटीशन वहां मेंटोर आपको रखने ही पड़ेंगे इसीलिए देखिए जीवन में भी जीवन में भी संघर्ष होता है ना तो लोग अपना मेंटोर रखते हैं कि नहीं आप हर घर में देखेंगे चाहे अमीर हो गरीब हो अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से सब लोग किसी न किसी बाबा यानी जो ज्ञानवान लोग होते हैं जिसे हम कह सकते हैं बाबा लोग होते हैं ना सबके घरों में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो याद रखें कोई न कोई एक उनका श्रद्धे एक उनका आराध्य होता है जिसके मूल्यों पर वो चलने की कोशिश करते हैं यानी जब भी वो तनाव में होते हैं तो उन गुरु के आश्रम में जा करके कुछ बातें सुन लेते हैं और उसके बाद उनके जीवन में एक नए प्रकार का संचार आता है क्यों है क्योंकि ये सब क्या है यानी उसी का एक उपक्रम है कि हम अपना मेंटोर भगवान को बनाते हैं जो मंगलवार को आप लोग मंदिर में जाकर के और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं वो क्या है कि आपने उस दिन मंगलवार को अपना मेंटोर हनुमान जी को माना है कि हे हनुमान जी हम जो भी कर रहे हैं हमें उसमें सफलता मिले तो आप वो मेंटोर हैं आपके आपको लगता है ना कि आप भगवान के पास जा रहे हैं जी नहीं आप अपने मेंटोर के पास जा रहे हैं वो आपके मेंटर्स हैं तो इसलिए मैंने इस स्पष्ट बोला है कि मेंटोरशिप आपको हमेशा रखनी पड़ेगी ये कॉम्पिटिशन है जो बच्चे समझते हैं हम गेट बंद करके पढ़ लेंगे सिलेक्शन के बाद बहुत से बच्चे कह देते हैं हमने किसी से नहीं पढ़ा यार कैसे कह सकते हो कि आपने किसी से नहीं पढ़ा आपने सुना होगा बहुत से से हमने हमने किसी से नहीं पढ़ा कोई कोचिंग नहीं किया अरे दादा पहले कहे हमने कहीं नहीं पढ़ा उसके बाद फिर हर कोचिंग में घूम घूम करके बता रहे हमने यहां से ये यह पढ़ा हमने यहां से ये पढ़ा तो हर कोचिंग वाला आपका पोस्टर छाप रहा है तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब आपने हर कोचिंग में चाहे इंटरव्यू दिया है चाहे जो कि आप हर जगह गए हैं तो सिलेक्शन के बाद बच्चे क्या होता है ना जैसे एक सिविल सेवा के बड़े पद पर उनका चयन हो गया तो एक एक थोड़ा ईगो आता है कि अब हम कैसे बताएं कि हमने सुनील अभिव्यक्ति से पढ़ा या इनसे पढ़ा हमने खुद पढ़ा हमें खुद आता है हम इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं हम हिंदू भी पढ़ते हैं आप सर्च करिए कई टॉपर्स के इंटरव्यू आपको मिलेंगे जो यही बोल रहे हैं कि हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं हम हिंदू भी पढ़ते हैं हम ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं यानी इतना टाइम मिल जाता है कि तीन चार अखबार भी पढ़ते हैं और उसके अलावा और भी बातें पढ़ते हैं मैं अपनी बातें इसलिए आप लोगों से सख्त होकर के कहता हूं क्योंकि देखिए नई पीढ़ी को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो हम लोगों को इन मतलब सख्त बातें कहनी होंगी कि जो टॉपर्स कह रहे हो हर बात बिल्कुल सही नहीं है मैं भी जो कह रहा हूं हर बात सही नहीं है आप दोनों को सुनिए मूल्यांकन करके अपना विवेक लगाइए कि, कि किस पैटर्न से आप पास कर सकते हैं उस पैटर्न को आप पकड़ लीजिए ये मेरा अपना स्पष्ट मानना होता कि ना तो आपको हमारी 100 परसेंट फॉलो करनी है ना किसी टॉपर की आपको अपनी स्ट्रेटजी पे चलना है दोनों में से जो जो अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं उसको आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए हा गौरव कह रहे हैं कि सर तीन तीन अखबार बोलते हैं <laughs> वही तो यार ताजिब होता है कि तीन अखबार पढ़ सकते हैं ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं जीएस भी पढ़ रहे हैं प्री भी पढ़ रहे हैं मेथ भी पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने कहा मेरे पर बच्चे इस दुनिया में इस दुनिया में अगर आप अपना इंतजार करेंगे ना कि कोई आपकी मदद करने आ रहा बॉस बिल्कुल नहीं दुनिया में आप अपनी मदद स्वयं करते हैं इसलिए अपने आप को मजबूत करिए और उसके बाद चल पड़िए आपकी राह बन जाएगी लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इन्होंने जो कहा उन्होंने जो कहा वो फॉलो करेंगे फिर आप ठीक है इसलिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ठीक है ये हो गया बच्चे सारी चीजें ठीक है मिलते हैं रात को आठ बजे रात को सॉरी नौ बजे मिलते हैं आज इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा करूंगा इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पर कि कहां से आए कैसे आए क्या करना है क्या नहीं करना है तो हमारा यानी 2021 का जो प्रश्न पत्र एनालिसिस है उसमें हम लोग ए एथिक्स और इकोनॉमिक्स कर चुके हैं अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी यानी आज इंटरनल सिक्योरिटी की धीरे धीरे चर्चा करते चलेंगे और ऐसे ही वन मंथ में हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे देन फिर प्लस का कोर्स लॉन्च करेंगे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं चाहता तो अभी से कोर्स लॉन्च करके आप लोगों को कहता आइए एडमिशन लीजिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप सब तसली कर लें कि हाँ ये आदमी जो भी कराएगा इस पैटर्न पर कराएगा और ये पैटर्न आपके काम का है कि नहीं तभी आइए एडमिशन लीजिए अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए उसके पीछे रीज़न है कि आपका फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ध्यान रखिएगा और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है यानी मैं ट्रेडिशनल टाइप का नहीं पढ़ाता हूँ यानी मैं ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ तो इसी पैटर्न पर पढ़ाता हूँ हिंदू और इन सबके पैटर्न पर अब पता चला कि आपका अलग तरीका हो आप दुखी हो इस मीडियम को हिंदी मीडियम के हों तो मैं सबको यहाँ पर लाऊंगा लेकिन कैसे अभी मैं सब्सक्राइबर कम हैं ये हैं तो बड़े लोग आना नहीं चाहते सब मेरे जैसे नहीं है ठीक है ना कुछ लोग होते हैं इतने यार क्या चलना है यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर हैं इनके तो वो सब भी आप लोग मजबूत करिए देन फिर मैं सब लोगों को लेके आता हूं मिलते हैं थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस